कैसे स्लिप मार रहा है? स्लिप न्यू मार रहा हूँ मैं, जोश आ गया। अच्छा मेरी बात सुन। कहिए। सभा में चल। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थोड़ी बहुत तमीज सिखाई है या नहीं सिखाई है? क्या बात? पहले तो आप मुझे ये बताइए। हाँ। कि बड़ी भाभी से बात किस तरीके से की जाती है, पता है आपको? नहीं करी। रिश्ते में मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ, जी लगा के बात कीजिए। तो भाभी को हूँ मैं, कहता ना बुआ को हूँ। हाँ बताइए। बता रहा हूँ, जीजा फूंक दे। अरे काम कर, महल में चल। किस लिए? सभा में। क्यों? मारी मर्जी, चल। मैं नहीं जा रही। क्यों? आज मैं सभा में जाने लायक नहीं हूँ। क्यों? तेरा कौन सी खाज हो रही है जो उनका बिलाग जाएगी? आज मेरा रजोशुला का भेष है, मैं सभा में नहीं जा सकती। रजशुला शुलाई फूक दे, सभा में चल। ना चल रही। ना चल रही। ना चल रही। चलना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। अरे बावली, आज तो ना एक स्पेशल आदमी याद करे। कौन? सुन ले मेरी बात। कहिए। वो अंधेखा अंधा याद करे। तो सुनिए। हाँ। मैं सभा में जाने लायक ना, मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे? पे खुश होके सुरेंद्र जी हलवाई नाउदी से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। भाभी द्रौपदी। कहिए देवर जी। सभा में चाल। नहीं चालूंगी। मैंने कही थी अगर द्रौपदी चाल मेरे संगमन देख अंधा याद करे। तू क्या बोली? मैं सभा में जाने लायक ना, मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे? इज्जत बर्बाद करे? हाँ। पहली बात तो यार तू जाने इज्जत के हो है। तू जाने इज्जत के? मैं जानू हूँ। तो मैं भी जानती हूँ इज्जत के हो। बता। तू बता पहले। तू बता। इज्जत हमारे तो सारे की में इज्जत ही इज्जत है। तू बता तेरे इज्जत है? ओ सारे की में कड़ा सी लटक रही है इज्जत तेरे। सुन। हाँ। पहली बात तो समाज में दो प्रकार के इंसान का मरना होता है, एक इज्जतदार एक शर्मदार। अच्छा। तू कोई सी भी को ना जाए तो इज्जतदार होती, शर्मदार होती। तो जेठ जो की ससुर के बराबर नाता होता है, जेठ तो अंधे का अंधा ना कहती। ओहो। हाँ। यानी की मुझे सभा में इसलिए बुलाया जा रहा है की मैंने इंद्रप्रस्थ के महल में जेठ जी को अंधे का अंधा कहा था। हाँ, जब तो इज्जतदार होती। हाँ। तो पांच पांच खसम बनाए ना डोलती। आप एक काम करिए, अगर उस अंधे ने इस द्रौपदी को याद किया है ना। हाँ। तो उस अंधे को जाकर कहिए किस द्रौपदी से आके यहाँ मिले, ये द्रौपदी कहीं जाने वाली नहीं है। ना जा। ना जा। चल सुन मेरी बात। शर्म नहीं सेला कर ले, ठंडा कर ले, सेला कर ले मुंह जल जागा, खाया करते गरम नहीं। सेला कर ले मुंह जल जागा, खाया करते गरम नहीं। इन बाता तक दे द्रौपदी मेरा हृदय होता नरम नहीं। बहु बेटी ने, बहु बेटी ने, बहु बेटी ने बुरी तक हो या छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी ने बुरी तक हो या छतरी का धर्म नहीं। मुझे मन हाल कारा मत ना तू जाने। बकवाद करे प्रशासन तेरे कल पड़ जाके बदला घड़ी अनाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। हाँ।
तेरे सिर पड़ जाएगी, मत ना गणिया नाद करे। आज तक भी ना जिन जिन लोगों ने दूसरी स्त्री पर अपनी बहू बेटियों पर बुरी नजर रखी है ना, उनके कुल का ही नाश हो गया। अच्छा तुम तो हो क्या चीज, मतलब तू मैनू ताने मारेगी आंदे के आंदे रखाने के काने के, किसी को किसी की तन्हाई मार गई और किसी को किसी की रुसवाई मार गई। अच्छा और वो रावण भी बुरा आदमी नहीं था देवर जी, उसे भी राम की लुगाई मार गई। और तुम सारे भाइयों को ये द्रौपदी मारेगी। अच्छा। बता कैसे कैसे, ऐसे ऐसे चल तू ओले राजी नू मारेगी। हाँ तने एक बात का पता नहीं है क्या, रावण मरता को ना, अगर रावण का भाई भी विभीषण उसके साथ होता तो तुम भी मरोगे ऐसे ही। हम सो के सो भाई एक जुट एक है कति, और तेरे जिसी सौ द्रौपदी भी आ गई मसल का मुंडी ना दूर फेंक दे। सौ की बात करो तुम पे तो मैं एक ही बारी पढ़ूंगी, एक पड़ेगी हाँ। बारी आ जा तू लड़की का। अपनी खता बताई नहीं मेरे जितनी और किसे में देवर मिला समाई नहीं, मेरे जितनी और किसे में देवर मिला समाई नहीं। तेरे ते ज्यादा मारे कुल में और बद जात लुगाई नहीं, बेका दे मत बोले ज्यादा खाती तेरी कमाई नहीं, नाच देख के तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के राजा दुर्योधन पर मार करे नहीं किसी में जोर के साथ भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा लगा ठम के पंचाली, आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा लगा ठम के पंचाली। क्या कह रहे हो, ठुमके लगवाऊंगे सभा में, तुम कहोगे और मैं नाचूंगी। अरे तेरी तो माँ भी नाचेगी जब नू करेंगे नू चुटकी बजाऊंगी। आइए 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 इधर आइए। आ गया, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को क्षत्रिय बताते हो, आप क्षत्रिय हो? बिल्कुल क्षत्रिय छातार पूरी अडानी। हाँ बॉडी दिखा दे अपनी, हैं बॉडी दिखा दे अगर क्षत्रिय हो तो। तू के पहले तू बता ना, मैं तो जो हूँ तू लुगाई है। अपनी बात बता, मेरे सुन तू लुगाई है ना। हाँ तू दिखा सके मैं लुगाई हूँ के सबूत है ना, तू बता तू क्षत्रिय है? अरे नो सबूत, ये बेचारे अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। अच्छा लेकिन अब इनका छत्रापन कतई खत्म हो गया, सिर्फ छत्री छत्री बच रही है। हाँ, दूसरी बात हाँ, तुम कहते हो कि तुझे आज नंगा नाच कराएंगे भरी सभा में, अब तुम्हारे बस की अस्त्र शस्त्र तलवार भाला करछी उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं रही, अब तुम औरतों को सभा में ले जाओगे और नंगी नचाओगे। बिल्कुल, अरे जो लोग ऐसा करते है ना वो क्षत्रिय नहीं होते, वो तो हिजड़े होते हैं हिजड़े। और तुम एक हिजड़े हो, और तुम्हारे जो 101 भाई है ना सारे के सारे हिजड़े हो। एक काम करो, सारे के सारे ढोलक ले आओ। अच्छा। और कूद जाओ कहीं को और जाके 1100 रुपए मांगो। 1100 रुपए हाँ, खत्म होगी तेरी बजा ढोला कर ले 1100। आज तना इस बात का मजा देंगे, तू हिजड़े बताओ तना सारे कई 101 सबूत दिखाओगे तू दिखाएगा। हाँ अरे जा तू, क्या मुझे सबूत दिखाएगा? सुन हाँ, सबूत तेरी जो जुबान जो तर 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 लप 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 ऐसे ही ऐसे ही चलेगी। इसना काट के तू काटेगा क्या कहती तू नहीं किसे में जो ऋषा जो गंगा जी में गाद करे
बावली एक कोने और 101 है, 101 आदमी, 101 आदमी किसी नाले में नदी में बड़क कूदेंगे तो निठा देंगे हम तो नदी में ठा दे तू का तेल में ठा दे। अरे कम बोलर सुन मेरी बात, जाने वाला है जब खुद भगवान बचावेंगे, खुद बचाने वाला है जब भगवान बचावेंगे। आज सभा में तन नंगी करके ये कौरव खेल खिलावेंगे, वो सृष्टि के रचने वाले क्या खेल खिलावेंगे, मुजरी पे बता तेरे जैसे, मुजरी पे बता तेरे जैसे, मुजरी पे बता कौन दया जल्लाद करे, कौन दया करने वाले किसे पर सब के इम्दाद करे, सभा में जाने लायक ना तेरी बात करे। कौन दया करने वाले, ईश्वर सबकी इमदाद करे। हाँ। इमदाद का मतलब मदद करना। हाँ। ईश्वर हमेशा सच्चे और अच्छे आदमी की मदद करता है। तेरे जिसी तेरा ताली बुंडे मुंह वाली नागन काली चुड़ैल की नहीं। जबान संभाल के बात करो, जबान को लगाम दे नहीं तो तेरी जबान काट लूंगी। पहले तो दूर हो जा, दुशासन जो है ना बिड़े तक करंट मार जाए। अपनी पहला हालत देख तू है कैसा। मैं हालत तो तू छोड़, हालत तो तेरी टेंशन होगी तन जो बोल मारा है ना। हम 101 भाई पता नहीं कितने दिन तक बाट में यो बदला लेने का। अच्छा हाँ। सुन मेरी बात। हाँ। कि ये नार नहीं नारंगी है। हाँ। नारंगी नहीं रसरंगी है, अरे ढकले तो पूरे कुल को ढकले वरना नंगी की नंगी है। वाय है तू जो लास्ट में गई नंगी की नंगी। कम बोल कम और चुपचाप यहाँ से चला जा। आज तने सभा में ले जाकर तेरी बहुत दुर्गति करेंगे। कभी तू सोचती हो अब भाई वो मेरा भाई है कृष्ण, वो आकर तेरी लाज बचा देगा। बचाएगा तू, मैं हूँ पांडवा के ताऊ का छोरा। अभी तुझे ये नहीं बेटा मेरे पांच पांच पति हैं। अरे पति को ना मैं तो चती बना दिया बैठा रखे कूण मनु भीम भी बेचारो गदा पर दरगर लुक्यो बैठे से। अच्छा हाँ? तू सोच रही होगी अग भाई वो कृष्ण आओगा तन बचाओगा। हाँ? मैं रिश्ते में पांडवों के ताऊ का लड़का हूँ। अच्छा तू पांडवा की घराली, तू मारी लागी के वो कृष्ण वो मारा शाला ला गया। अच्छा। तू भी आ जाइए, वो मारे शाले ने भी ले आइए, तेरी माँ ने भी ले आइए, पांडव शाला ना जियो तुम, दुशासन दुर्योधन तेरी तेरे घराना की सब की बड़बड़ी काट कर दूर फेंक मार। अरे सुन मेरी बात। हाँ। देवर ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, तू यहाँ से चला जा, जा। बात ही बात ना जा मेरा बाबू जा। मेरी बाबू तो लेकर जाऊंगा मैं, सुन ले मेरी बात सुन ले। Oh!
कोई नहीं जो तने थूक के चाटा ना। उस ईश्वर की माया का कदम वेद किसे न पाटा ना। उस ईश्वर की माया का कदम वेद किसे न पाटा ना। वे पहले करा हुआ बार ले गुरमान सिंह के भजनों की नीति नहीं रुकना खरा करे करे द्रौपद चाल जा। एक बात अभी मन माल पूरा खुआ सा चल लगी नहीं और क्या लिखे मिले रहा है सीधी सीधी चाल नहीं चलूंगी द्रौपद चाल छोड़ द्रौपद चाल अरे द्रौपद चाल मेरे संग में का अंधा याद करे सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बादी करे सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बादी करे। के हम छत्री रजपूत जात के मारे ना मरने कटाला दखे इब मारे से ओए फिर रोग की बन जा रे गिड़ाला हम छत्री रजपूत जात के ना मरने सर की उसके सब ते लांबा लाड़ा भाई सारे के वो खर्च करे था मोटा था सहुकारा बालकपन में एक पाल्या कुत्ता जो लगे जानते प्यारा रे बालकपन में पाल्या कुत्ता जो लगे जानते प्यारा उके माथे टिका गल में पट्टा के माथे टिका गल में पट्टा बाकी का रंग काला रे इमारे से फिर रोग की बन जा रे कि ढाड़ा हम छतरी रज कूद जात के लखी नाम का था बनजारा 352 सर की बड़ा मोटा सा उकारा लखी बनजारे ने बालकपन में कुत्ता पाला कुत्ता कैसा
हो गए माथे टिक्का, गले में पट्टा, बाकी का रंग काला। नहीं बोले ईब मारे से फिर रोवेगी बन जा रही की ढाला। सजनो सन 1902 की बात आपको सुना रहा हूं। 1902 ये लाहौर आज पाकिस्तान में है, कभी हिंदुस्तान में हुआ करता था। सन 1902 में 47 के बाद ये पाकिस्तान।